गाइस हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया है। मैंने अपने चैनल को 17 तारीख यानी 17 मई को दोपहर के 1 बजे के आसपास मोनेटाइजेशन के लिए भेजा था और 19 मई रात के 1:15 मतलब 1:15 के टाइम रात के 19 मई को मुझे मोनेटाइजेशन का एक मेल आया यूट्यूब की तरफ से कि हाँ, मेरा जो चैनल है वो रिव्यू हो चुका है एंड मेरा चैनल मोनेटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। सो 2 दिन में ही मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है और इसी वजह से मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं बनाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स के वीडियोस देखे थे तो सभी ने यही कहा था कि लॉकडाउन की वजह से क्या है, यूट्यूबर बहुत सारे एम्प्लॉयज कम है जिसकी वजह से आप अगर मोनेटाइजेशन के लिए चैनल को डाल भी देंगे फिर भी मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं होगा, रिव्यू में ही पड़ा रहेगा चैनल और कब मोनेटाइजेशन होगा वो भी पता नहीं, और अगर मोनेटाइजेशन हो भी गया तो एड्स बहुत कम चलेंगे। तो ये सब सोचकर मेरा जो क्राइटेरिया है, जैसे कि 1000 सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया होता है और 4000 आवर्स का वॉच टाइम क्राइटेरिया, अगर ये क्राइटेरिया आप क्रॉस कर लेते हैं तो आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया पूरा हो गया था, लेकिन मैंने सोचा कि मैंने बहुत सारे वीडियोज देखे थे और सभी ने यही बोला था कि लॉकडाउन की वजह से ये जो मोनेटाइजेशन प्रोसेस ये डिले हो रहा है, तो मैंने नहीं भेजा था मेरा चैनल। फिर मैंने सोचा कि लॉकडाउन तो बहुत दिनों तक चलेगा, उसका कब एंड होगा कोई पता नहीं, तो इतने दिनों तक चैनल को ऐसे रखना वो सेव नहीं होगा, तो मैंने भेज दिया कि जो होगा देखा जाएगा। फिर जो 19 मई को जब रात को मुझे मेल आया था, उस टाइम मैं सो गई थी क्योंकि 2 दिनों तक मेल नहीं आया तो मुझे लगा कि शायद बहुत टाइम लगेगा, तो मैं सो गई थी। और सुबह जब मैंने उठा और वो मेल देखा तब मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि ये जो वो क्राइटेरिया है और जो मोनेटाइजेशन है वो एक छोटे यूट्यूबर के लिए बहुत बड़ी बात है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और लॉकडाउन में ये 2 दिनों में हुआ है, सो आई थिंक आपके चैनल में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक कॉपीराइट इशू या फिर स्ट्राइक इशू कुछ भी नहीं है, तो आपका चैनल भी शायद 2-3 दिनों में ही मोनेटाइजेशन हो जाएगा इस लॉकडाउन में ही। तो मेरे इस वीडियो का एक ही मकसद था कि मैं आप सभी को ये बताऊं कि लॉकडाउन में भी चैनल मोनेटाइजेशन हो रहा है और सिर्फ 2 या 3 दिनों में ही मोनेटाइज हो रहा है और कोई डिले विले कुछ भी नहीं हो रहा। सो अगर आपका चैनल ये क्राइटेरिया क्रॉस कर जाए तो आप जरूर अपने जो चैनल है उसको मोनो के लिए भेज सकते हैं, आपका मोनेटाइजेशन बहुत जल्द हो जाएगा। और अगर आपको ये जो पूरा मोनेटाइजेशन प्रोसेस है इसके ऊपर अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं पूरा जो प्रोसेस है कि आपको स्टेप बाय स्टेप जो क्रिएट करना, जैसे एडसेंस अकाउंट पहले मुझे क्रिएट करना पड़ा, तो एडसेंस अकाउंट क्रिएट होने में 2 घंटे लगे थे मुझे, 2 या 3 घंटे के बाद मेरा जो एडसेंस अकाउंट है वो क्रिएट हो गया था। उसके बाद मेरा चैनल ऑटोमेटिकली रिव्यू पर चला गया, तो रिव्यू पर जाने के बाद जो है वो 2-3 दिन लगता है, उसके बाद यूट्यूब की तरफ से ही आपको एक मेल रिसीव होगा। सो अगर आप ये जो पूरा प्रोसेस है ये स्टेप बाय स्टेप जानना चाहते हैं तो आप सभी नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो डालकर क्लिपिंग्स ऐड करके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, लेकिन ऑन डिमांड ओनली, क्योंकि बहुत सारे पर्सनल उसमें पर्सनल मैसेजेस भी रहेंगे, पर्सनल कुछ डेटाज भी रहेंगे, जिसकी वजह से अगर रिक्वेस्ट आए तभी मैं इस वीडियो को बनाऊंगी। तो अगर मैं अपने यूट्यूब जर्नी की बात करूँ तो मैंने अपना जो चैनल है उसमें फर्स्ट वीडियो मैंने 2018 में अपलोड किया था अक्टूबर में, तो उस टाइम मैं पूरा हर डे रेगुलर वीडियोस अपलोड करती थी, लेकिन उसके बाद दुर्गा पूजा आया एंड उस टाइम फैमिली फंक्शंस वगैरह कुछ थे जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा ऑफ चली गई यूट्यूब से। उस टाइम मेरा वीडियो जो है, मेरा चैनल जो है वो अच्छा खासा चल रहा था और स्टडीज की वजह से मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाई, लेकिन लगातार मेहनत के बाद अभी जैसे लगभग 1.5 साल या 2 साल कह सकते हैं, तो 1.5 साल बाद मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हुआ है और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की। सो जिन लोगों का जो चैनल पर वीडियो अपलोड करने के साथ साथ ही जो वायरल हो जाते हैं वीडियोस, तो उनका जो चैनल है वो बहुत जल्द मोनेटाइज हो जाता है, लेकिन हमारा कुछ ऐसा बहुत बड़ी तरीके से वायरल वगैरह वीडियोस नहीं हुआ है जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया और अभी भी बहुत मेहनत करनी है। और मैंने जब वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया था उस टाइम मेरे साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त थे यूट्यूब पर ही, तो उनका भी चैनल अभी अच्छा खासा चल रहा है, बहुत सारे ऐसे चैनल मैंने देखे हैं जिनका मोनेटाइजेशन बहुत जल्द हो गया है। सो मुझे लगा कि मैं अपना जो यूट्यूब जर्नी है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वैसे तो मैं
स्टूडेंट हूँ, मैं मास्टर्स कर रही हूँ, उसके साथ मैं न्यूज़ रीडिंग करती हूँ, तो सब कुछ एक साथ उसके साथ यूट्यूब पर ध्यान देना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन फिर भी मुझे एक अलग सा मोटिवेशन हमेशा मिलता है मेरे फैमिली से। सो मैं हमेशा मोटिवेटेड होती हूँ, और फिर मैंने बहुत कोशिश की एंड कोशिश करने पर ये जो मोनिटाइजेशन एनेबल हुआ है इससे मैं बहुत खुशी हूँ। सो आई होप आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, और मैंने अपना जो स्ट्रगल है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। मेरा जो कंटेंट है चैनल का वो ब्यूटी है। सो इस वाले कैटेगरी में बहुत सारे यूट्यूबर्स क्रिएटर्स, अच्छे खासे क्रिएटर्स हैं, ऑलरेडी सक्सेसफुल भी हैं। सो इस कैटेगरी में वैसे तो आजकल सिर्फ ब्यूटी ही नहीं, बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज हैं जिसमें बहुत सारे अच्छे खासे क्रिएटर्स हैं, तो यूट्यूब पर एक अलग सा जगह बनाना बहुत डिफिकल्ट है आजकल। वैसे तो आजकल वीडियोस यूट्यूब पर ज़्यादा चलते हैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज, तो जिसकी वजह से यूट्यूब पर अगर आप अच्छा कंटेंट वाला वीडियो अपलोड करेंगे तो डेफिनेटली वो एक ना एक तो वायरल हो ही जाएगा। सो अगर आपको यूट्यूब रिलेटेड कुछ भी जानना है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मेरे सोशल मीडिया पर आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरा जो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ऐड कर देती हूँ, तो आप वहां पर जाकर मुझे पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली सबको जो है हेल्प करना चाहती हूँ। सो आई होप आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर रोज वीडियोस अपलोड करती हूँ। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल, बाय बाय।